एक समय की बात है, एक पुराना परित्यक्त गांव में चूहों का एक समूह पीसफुली रहता था। वे वहां अपने किंग के साथ खुशी से रहने लगा था। एक दिन हाथियों का एक झुंड पास की झील पर जाने के लिए वह गांव से होकर गुजर रहा था। सैकड़ों हाथियों के पैर चूहों को रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अनजाने में उन्होंने सभी चूहों के घरों को नष्ट कर दिया और बहुत सारे चूहों की मृत्यु हो गई। हाथियों के जाने के बाद यह देखकर चूहों के राजा को रोना आ गया। वह हाथियों के किंग के पास जाने का फैसला किया और उनसे अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाने का अनुरोध किया। हाथी राजा ने उसकी समस्या को समझा और पानी के लिए दूसरा रास्ता अपनाने पर सहमत हो गया। एक दिन हाथियों के समूह को कुछ शिकारियों ने एक बड़े जाल में फंसा दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से छुटकारा नहीं पा सके। अचानक हाथी राजा को चूहों के राजा की याद आई। उसने अपने झुंड के एक हाथी को बुलाया जो शिकारियों के जाल से भागने में कामयाब रहा और उसे जाकर चूहों के राजा से संपर्क करने का आदेश दिया। जब चूहों के राजा को हाथियों की स्थिति के बारे में पता चला तो वह अपने पूरे चूहों के समूह के साथ गया और जाल को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। इस मदद के परिणाम स्वरूप हाथियों का झुंड शिकारियों के जाल से निकलने में कामयाब रहा और पूरी तरह से आजाद हो गया। तो मित्र, यह कहानी सिखाती है कि हमें कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कम नहीं आंकना चाहिए, जो जरूरत के समय बहुत मददगार साबित हो सकता है। धन्यवाद।